नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र के नौतनवा विधानसभा स्थित सेमरवा गांव में स्थापित मतदान केंद्र के बूथ संख्या 231 व 232 अभी तक एक भी मत नहीं पड़े हैं। ग्रामीणों ने गांव में पुल एवं सड़क निर्माण नहीं होने से नाराज होकर चुनाव का बहिष्कार कर दिया है। इसकी सूचना पर मौके पर पुलिस एवं प्रशासन के आला अधिकारी व जनप्रतिनिधि को हुई तो ग्रामीणों को समझाने में जुटे हुए हैं, लेकिन ग्रामीण मतदान बहिष्कार पर अड़े हुए हैं। रहने वाला है, हमन के पुल चाहिए। यहाँ पे आप लोगों ने क्यों नहीं वोट डाले? ये वोट कैसे डाल जाए? हम लोग वोट नाते नहीं डाल जाए। सुना, वोट यही सर पर डाल जाए कि हमन के लिखित करे, कागज दे कि हमन के कठो कागज दे कि हमन के वोट पास कर दिया जाए, हमन के बनवा दिया जाए। सर पर वोट पड़े लगी। हम लोग का आप लोग ने यहाँ मतदान नहीं किया है, बहिष्कार किया है, उसका क्या मांगे हैं आप लोग? सर, हम लोग का मांग पुल है, प्लस जंगल से सुरक्षा चाहिए हम लोगों को, और हम लोगों के बच्चे अंधकार में जा रहे हैं, दिन पे दिन जा रहे हैं। 25-30 साल हो गया पंकज चौधरी जी को, आज तक आश्वासन दे के बस वहीं तक सीमित रह गया। क्या नाम है? पिंटू सहानी। कहाँ के रहने वाले हैं? हम ग्राम सेमरवा रहने वाले हैं। आप लोग क्या मतदान नहीं करने जा रहे हैं? आप लोग क्या मांगे हैं? मतदान नहीं करेंगे, हमको पुल चाहिए। कांग्रेस की सरकार थी तभी पुल नहीं मिला, सपा का सरकार थी तभी पुल नहीं मिला, भाजपा का सरकार 10 साल थी तभी नहीं पुल नहीं मिल रहा। कितने संख्या में लोग यहाँ पे वोटों का बहिष्कार कर रहे हैं? संख्या तो यहाँ तो बहुत है। कहाँ के रहने वाले हैं? सेमरवा का है। आप लोग यहाँ मतदान क्यों नहीं कर रहे हैं? हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग का पुल चाहिए। क्या मांग है आप लोग? पुल मांग है हम लोग का, नहीं पुल यहाँ पर नहीं हुआ है। आप लोग वोट डालने गए कि नहीं? नहीं जा रहे हैं। क्यों? इसलिए नहीं जा रहे हैं कि हम लोग जो है बहुत तकलीफ में है, नदी के इस पार हमारा गांव है, टापू में है, हम लोगों का कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। प्रशासन ने कोई आश्वासन दिया कि? कोई भी आश्वासन, कोई भी आते हैं लोग देकर चले जाते हैं, फिर वो दोबारा नहीं आते हैं। कितने संख्या में आप लोग यहाँ बहिष्कार कर रहे हैं? हम लोग करीब 2000 वोटिंग है यहाँ पे, 2000 के करीब में वोटिंग है, 1800-1900 ऐसे ही है। लेकिन पंकज चौधरी 32 साल से यहाँ के सांसद हैं, कभी आज तक आकर के आश्वासन देकर गए हम पुल बनवा देंगे, लेकिन कभी नहीं आए यहाँ पर, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हाँ, रहने वाले हैं। मतदान नहीं करें, मतदान का बहिष्कार कर दिया क्यों? मतदान का हम लोग इसलिए बहिष्कार किया, हम लोग इतना दिक्कत परेशानी में रहते हैं, इतना लमसम 30 साल हो गया पंकज चौधरी को जीते हुए, लेकिन एक बार से हम कदम नहीं डाले। जितना बार आए वहाँ से चले गए हैं, बोले हैं कि हम पुल बनवा के देंगे, आज तक अभी उनका कोई नामी चर्चा नहीं है। 10 साल हो गए, कितना लोग बोल रहे हैं पुल पास हुआ, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। मतदान करेंगे तो आप बदल भी सकते हैं, जो आपके पसंदीदा होंगे। जब तक मतदान हम इसी शर्त में करेंगे, जब तक कोई नेता कोई विधायक नहीं जाकर बोल देगा, प्रस्ताव नहीं दे देगा, कागज नहीं देगा, हम लोग को बोल रहे पुलिया पास हुआ है, पुलिया के जो हम लोग को प्रमाण दिखा दे, हम लोग मतदान कर देंगे। ग्राम से मेरा हवा निवासी है। मतदान नहीं कर रहे, क्या कारण है? कारण यही है सर, पंकज चौधरी इसी वासुदेव के नीचे वादा किए थे कि अब की हम जीतेंगे, सांसद बनेंगे, पुल बनवाएंगे। पूरी चुनाव का प्रक्रिया खत्म हो गया, सकल नहीं दिखाए हो अपना कि सेमरावक लोग कैसे हैं कैसे नहीं। वीरेंद्र चौधरी आए थे, वो बोले थे अब की हमको जिताइए वोट देकर, हम कुछ में कुछ करेंगे। वो तो बेचारा आया, लेकिन पंकज चौधरी हमारे गाँव के बच्चे सकल नहीं देखे, हमारे गाँव के लोग। और सबसे बड़ा मुद्दा है पुल का सर, अभी 10 दिन पहले एक बच्चा स्कूल जा रहा था पढ़ने, चखनी चौराहे पे नदी मेला, उसका अड़ुआ जो होता है उसको मगरमच्छ खा लिया उस बच्चे को, उसी कारण से आज एक महीने से बच्चे पढ़ने नहीं जा रहे नदी के कारण से, नदी में हेल के हमारे गांव की सहने बोला यार। आप लोग मतदान नहीं किए, क्या मांगे आप लोग? रास्ता या पुल नहीं गई लग रास्ता है। चमरावा नाम निर्मा, मतदान यहाँ नहीं कर रहे, क्यों नहीं मतदान कर रहे? इसलिए कि मेरा पुल नहीं है, और कहूँ नहीं, चारों तरफ से नदी है, बीच में गांव है, कहाँ भी जाएंगे हम लोग, कहाँ जाएंगे? मतदान कर दिया है, ऐसे में लोगों की मांग है कि आप लोग मतदान नहीं है, इसलिए मतदान नहीं करेगा। आप वहाँ मौके पर वैसे क्या आश्वासन दिए लोगों की, क्या राय है? देखिए, एक पुल की मांग थी जिसके लिए सितंबर 2023 में हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रस्ताव दिया था, उस प्रस्ताव पे उनके आदेश पे यहाँ पे उसका एस्टीमेट मांगा गया था, ड्राइंग बनाई गई थी। चूंकि बड़ा पुल है, बड़ा इसके लिए खर्चा होना है,
इसलिए थोड़ा समय लगा, लेकिन ड्रॉइंग जो गई वो थोड़ा सा उसमें टेक्निकल फॉल्ट था, तो उसको दोबारा बनाने के लिए आदेश हुआ, वो ड्रॉइंग बन गई है। चुनाव का आचार संहिता आ गया, इसलिए यह कार्य, चूंकि चुनाव में सभी कार्य रुक गए इसलिए भी रुक गया, तो मैंने सभी को बताया है और कागज पत्र प्रशासन के लोगों ने भी इनको बताया है कि उस पर कार्य हो रहा है और ये पुल जल्द ही शुरू हो जाएगा और लोग वोट देने के लिए अब तैयार हो गए। विजेंद्र कुमार राजवन नाम है सर मेरा। देखा जाए तो आज़ादी के बाद से यहाँ केवल जो रोहिणी नदी बहती है उसको लेकर के ग्रामीण बहुत परेशान रहते हैं। जब नदी सूख जाती है तो उसके लिए कोई समस्या नहीं होता, कुछ लोग आते जाते हैं, समस्या से कुछ निजान मिलता है, लेकिन जब पानी आ जाता है नदी में बाढ़ के कारण यहाँ का आवागमन एकदम समाप्त ही समझिए हो जाता है। अगर किसी भी तरह की समस्या होती है यहाँ पे तो समझ लीजिए सर कि मृत भी हो सकती है, किसी की ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है। डिलीवरी वगैरह मान लीजिए कि नॉर्मल बात है, अगर जान तक जा सकती है गया है सर, एकदम हम लोग सामने की बात है। रह गई बात है निर्वाचन आयोग, यहाँ पूरा व्यवस्था किया हुआ, यहाँ की वोटिंग सर 1600 है, 1200 पड़ जाता है वोट। आज की जो समस्या है ग्रामीणों ने बताया कि यहाँ पूरी तरह से कोई आके उनको आश्वस्त करे कि आपको पुल की व्यवस्था दी जाएगी, अब चाहे गवर्नमेंट रहे या कोई पार्टी रहे उसे कोई मतलब नहीं है। यहाँ के लोगों का मेन टारगेट है कि यहाँ पुल की व्यवस्था की जाए सर। इसी के साथ बहिष्कार क्या सर, बहिष्कार क्या मान लीजिए इंडिया में ऐसा वोट डालने का अधिकार है, बहिष्कार इसको नहीं कह सकते हम लोग डायरेक्ट, बस ये मानिए कि पुल का मांग किया जा रहा है इसी के थ्रू ग्रामीणों के द्वारा सर। मतदाता वोट का बहिष्कार कर दिए थे, आप वहाँ पे पहुँचे, क्या आश्वासन दिए हैं मतदाताओं ने, क्या कहा और आप क्या उनको आश्वासन? मतदाताओं ने यही कहा कि पिछले लगातार 17 बार MP हुए होंगे, आज 18वीं चुनाव है, सब ने झूठ बोला है और वर्तमान ने तो 6 बार झूठ बोला है, हर बार कहता हम बना देंगे, और जो यहाँ क्षेत्रीय विधायक भी होते हैं उन्होंने भी प्रयास नहीं किया, अगर प्रयास किया होता तो इसको निश्चित रूप से पुल बना होता। और मैंने यही आश्वासन दिया है कि अगर आप लोगों ने मुझे यहाँ जिताया, आप लोग वोट डालिए, अगर मैं जीत के आया तो जीतने के बाद दिल्ली से पहली बार वापस आऊँगा तो सेमरावा ही आऊँगा और उस टीम के साथ आऊँगा जो टीम आपकी सर्वे कर लें। आपके आश्वासन में मतदाताओं ने वोट, उनका उत्साह दिखा और मतदाता बहुत तेज़ी से आए, मेरे साथ भी आए बूथ तक और वहाँ लाइन लग गई, अब वोट डालना शुरू कर दिया लोगों ने। महाराजगंज से सीनू संवाददाता अंगद शर्मा के साथ श्रवण यादव की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही, देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सीन्यूज़ भारत।